हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज फिर मैं आपके साथ आया हूँ, एक नया ब्लॉग लेके आप लोगों के पास आया हूँ। तो अब बेसिकली आज हम लोग जा रहे हैं, मैं मम्मी और मेरी बहन, आज हम लोग देहरादून जा रहे हैं। तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं, तो ट्रेन का अभी हम रास्ते में है, मेरी मम्मी भी मेरे साथ है। लगभग 5-6 साल बाद में तो ट्रेन से जा रहा हूँ देहरादून, नहीं तो हम लोग बस से या कार से ही जाते हैं। 5-6 साल बाद में ट्रेन से जा रहा हूँ देहरादून, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत। हे गाइस, हम लोग रूड़की रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, हम लोगों ने टिकट ले लिया है, ट्रेन आने वाली है। बस ट्रेन का टाइम भी हो चुका है, थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है, मम्मी और थोड़ी उधर बैठे हैं। तो आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि आज ट्रेन में जाने का मौका मिलेगा बहुत टाइम बाद, बहुत मज़ा आने वाला है आज तो। रूड़की रेलवे स्टेशन, तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन चल चुकी है। हे गाइस, ट्रेन रुके बहुत टाइम हो चुका है, ट्रेन चलने में नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है, बहुत देर से ट्रेन रुकी हुई है और यहाँ परेशान हो चुके हम लोग, क्योंकि जाने के लिए बहुत ज़्यादा वो है और ट्रेन चल ही नहीं रही है। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा अभी जाने चलने में टाइम ट्रेन को। तो हम लोग लक्सर स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर ट्रेन बहुत टाइम लगाएगी फिर से, यहाँ पर तो हमेशा लगाती है, उससे आगे पता नहीं और कितना टाइम लगाएगी। अब मम्मी और ने यहाँ से कुछ लिया है खाने के लिए, देखते हैं क्या लिया है। दाल के पकोड़े यहाँ के बहुत ही फेमस, हमको तो हर बार यही पसंद आते हैं, दाल के पकोड़े। पूरी गाड़ी में देखे, हमारे वाले डब्बे में कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है यहाँ। तो आप देख ही सकते हैं फिर कितने मज़े आने वाले हैं खाली रहने पे। तो फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं लक्सर से, ट्रेन चल चुकी है यहाँ से, बहुत देर बाद चली यहाँ से ट्रेन। तो हम लोग अभी ज्वालापुर से निकल गए हैं हरिद्वार रास्ते, देखिए अभी नानी का फोन आया था, नानी पूछ रही थी कहाँ पहुँच गए, मैंने ऐसे झूठ बोल दिया कि हम तो वापस चले गए कि ट्रेन नहीं आई आज। तो नानी कह रही है, नानी चौंक गई एकदम नानी। तो हम लोग अभी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर पहुँच चुके हैं, तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर बाद। हम लोग कांसलो के स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, देखिए दिखाता हूँ आप लोगों को कांसलो के स्टेशन। बिल्कुल सुनसान जगह है, मम्मी और प्राची दोनों सो भी चुके हैं अब तक, उनको तो नींद आ गई। बस इससे अगला स्टेशन अब दोई वाला ही है, वहाँ पर हम लोग जाएंगे अब नानी के घर। हे गाइस, बहुत टाइम हो चुका है, नींद भी आने लगी है, देखिए कैसे बैठने लगे। अब थोड़ी देर में हम पहुंचने ही वाले हैं, ट्रेन चल गए कांसो से कम आधा घंटा यहाँ रुकी थी ट्रेन, देखिए कैसे बहन और मम्मी बैठी हुई है, इनकी तो आँख भी खुल चुकी है, नींद सो के भी उठ चुके हैं, हमें मुझे तो नींद ही नहीं आई।
थोड़ी देर और बस फिर हम पहुंचने वाले हैं डोईवाला स्टेशन पर। रात को तो हम लोग डोईवाला स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। ट्रेन देखो पीछे खड़ी है। तो अभी हम आ चुके हैं नानी के घर, पहुंच गए हम लोग। मजा आ रहा है, आते शुरू हो गए। देखो देवांशी, सारे बाल आज ही खींचने हैं क्या? देखिए बहनों ने क्या हाल कर दिया मेरा। एक तो खाने पे लगी पड़ी। आज ही बनाओगे क्या सारा लड़की? और क्या? अच्छा मैं कह रहा हूँ, मैंने ये मना क्यों कर रही? मतलब फोन तो फोन ले जा रखी थी। अपनी कार भी देना है, जल्दी निकाल दे। क्या हालत होगी, जल्दी निकाल दे। निकाल, खींचने नहीं है। सुभांगी से भी ज्यादा तेज। एक दो तीन चार पाँच 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 रुपये मुझे उठाएगी। पीछे से कौन करेगा? एक फेरा लगाया। हाँ वो कुरान पे धुआं बाहर खाने देगा सारा। लग रही ना दबा लगा वो बाहर तक। पीछे से कौन करेगा? बस नहीं हुआ अभी। ऐसे करते हैं? ऐसे ही ये करता है बाल्टी। वो भी बनवा दो इसका हाथ देखो, मेरे हाथ की स्किन।